गुड मॉर्निंग, मैं सुमेर सिंह शेखावत, लेक्चरर मैथमेटिक्स, गुड्डा पब्लिक स्कूल। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, पिछली कक्षा में हमने अवकलन के बारे में पढ़ा था, कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए थे। आज अपन उसी टॉपिक के कुछ एग्जांपल हल कर रहे हैं। तो पहला जो एग्जांपल था उसका थर्ड पार्ट हमें दिया गया है। एक फलन दिया गया हमें टेन लॉग अंडर रूट एक प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका जब हम अक्ष के सापेक्ष अवकलन करें, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने के लिए पहले हम टेन के रूप में इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि टेन अक्ष का जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर अक्ष होता है, लेकिन अक्ष की जगह आपके पास जो मान है वो लोग अंडर रूट एक प्लस अक्ष स्क्वायर है। तो पहले इसका जो अवकलन है वो क्या होगा, सेक स्क्वायर लोग अंडर रूट एक प्लस अक्ष स्क्वायर। इसके बाद इस फलन का भी अपन अवकलन करेंगे लोग अक्ष के रूप में, लोग अक्ष का अवकलन एक बटा अक्ष होता है, तो अक्ष की जगह रूट एक प्लस अक्ष स्क्वायर है, तो इसका अवकलन होगा एक बटा अंडर रूट एक प्लस अक्ष स्क्वायर। उसके बाद ये भी एक फलन है, इसका हम रूट अक्ष के रूप में अवकलन करें, एक बटा दो अंडर रूट एक प्लस अक्ष स्क्वायर। और एक प्लस अक्ष स्क्वायर भी यहाँ पर एक फलन है, उसका अपन अवकलन करेंगे, एक तो अचर राशि अवकलन जीरो हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर का यदि अपन अवकलन करेंगे दो अक्ष हो जाएगा। इसका मैंने एक अल्टरनेट मेथड मैंने आपको और बताया था UVWO मान के, लेकिन आसान तरीका जो ये है इसीलिए मैं आपको यही तरीका करा रहा हूँ। तो इसका जब आप अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बटा डी अक्ष ऑफ वाई बराबर होगा डी बटा डी अक्स ऑफ टेन लॉग अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर, या डीवाई बटे डी अक्स बराबर ये बान हो जाएगा टेन अक्स के रूप में इसका अवकलन किया तो होगा सेक स्क्वायर अक्स, अक्स की जगह ये पूरा मान आएगा आपका जो है लॉग अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर। अब ये भी एक फलन है, इस फलन का अपन अवकलन करें तो d बटा डी अक्स ऑफ लोग अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर या डीवाई बटे डी अक्स बराबर ये बान हो जाएगा सेक स्क्वायर लोग अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर, जैसा था वैसा का वैसा। और यहाँ हम लोग अक्स के रूप में इसका अवकलन करेंगे, लोग अक्स का अवकलन होता है एक बटा अक्स, तो इसका अवकलन हो जाएगा एक बटा अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर, अक्स की जगह ये बांध था। अब ये अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर भी एक फलन, हम इसका भी अवकलन करें तो डी बटा डी अक्स ऑफ अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर या डीवाई बटे डी अक्स बराबर बान हो जाएगा, ये बान ऐसा कैसा जाएगा आपका सेक स्क्वायर लोग अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर इंटू एक बटा अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर। और इसका अवकलन अपन करें, चूंकि मैंने आपको बताया था कि डी बटा डी एक्स ऑफ अंडर रूट अक्स बराबर होता है एक बटा दो अंडर रूट अक्स, इसका अवकलन हो गया एक बटा दो अंडर रूट अक्स, अक्स की जगह पूरा मान आपके पास एक प्लस अक्स स्क्वायर। अब ये एक प्लस अक्स स्क्वायर भी एक फलन है, इस एक प्लस अक्स स्क्वायर का अपन अवकलन करें तो डी बटा डी अक्स ऑफ अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर या डीवाई बटे डी अक्स डी बटा डी अक्स ऑफ एक प्लस अक्स स्क्वायर, इस एक अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर का हमने कर दिया, एक प्लस अक्स स्क्वायर का फिर से अपन अवकलन करें। तो अब जब अपन इसका अवकलन करेंगे तो ये मान तो आपका ऐसा कैसा हो जाएगा सेक स्क्वायर लोग अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर, ये मान ऐसा कैसा हो जाएगा एक बटा अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर, या ये मान आपका जाएगा एक बटा दो अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर। और इसका जब आप अवकलन करेंगे एक तो अचर राशि अवकलन जीरो हो जाएगा, और अक्स स्क्वायर का अक्ष की घात एन के रूप में अपन अवकलन करेंगे तो अवकलन दो अक्स हो जाएगा, यहाँ ये दो से दो कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो मान बचा वो बचा डीवाई बटे डी अक्स बराबर एक, तो ये अक्ष बच गया, ये मान ऐसा कैसा लिख दो सेक स्क्वायर लोग अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर को हम अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर से यदि गुणा करेंगे तो मान आ जाएगा एक प्लस अक्स स्क्वायर, तो बटा में मान आ गया एक प्लस अक्स स्क्वायर। तो डीवाई बटे डी एक्स का जो मान आपको प्राप्त हुआ वो मान हो गया अक्स इंटू सेक स्क्वायर लोग अंडर रूट एक प्लस अक्स स्क्वायर बटा एक प्लस अक्स स्क्वायर, ये आपका अवकलन का मान आ जाएगा। इसके बाद अगला जो उदाहरण अपन करेंगे, दूसरा उदाहरण, उस दूसरे उदाहरण का पहला पार्ट आपको दिया गया है, एक फलन दिया गया आपको जो है वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटा
कोस सी एक्स प्लस डी। दूसरे उदाहरण का पहला पार्ट कि एक फलन दिया है को वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटा कोस सी एक्स प्लस डी। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक फलन था साइन ए एक्स प्लस बी और दूसरा फलन है कोस सी एक्स प्लस डी और दोनों का भागफल है। और दो फलनों के भागफल का अवकलन जब अपन करते हैं तो वो होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो इसका जब अपन अवकलन करेंगे डी बटा डी एक्स ऑफ वाई बराबर होगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर। इनकी मान जब हम रखें तो ये तो जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स, हर की जगह मान रख दो कोस सी एक्स प्लस डी। इंटू अंश का अवकलन, अवकलन के लिए डी बटा डी एक्स यानी अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, अंश में फलन है साइन ए एक्स प्लस बी माइनस अंश, अंश का फिर मान रख दिया साइन ए एक्स प्लस बी, हर का अवकलन करेंगे तो डी बटा डी एक्स ऑफ कोस सी एक्स प्लस डी बटे हर का स्क्वायर। तो हर में जो मान आपका उसका स्क्वायर जब अपन करेंगे तो वह मान आ जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, या डीवाई बटे डी एक्स बराबर मान हो जाएगा कोस सी एक्स प्लस डी। साइन एक्स के रूप में हम इसका अवकलन करेंगे, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, या मान हो जाएगा कोस एक्स की जगह आपके पास ए एक्स प्लस बी है और ए एक्स प्लस बी स्वयं फलन, हम उसका भी अवकलन करेंगे डी बटा डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस ये मान ऐसा कह दिया जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो उस रूप में इसका अवकलन करेंगे तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और चूंकि सी एक्स प्लस डी स्वयं फलन है तो इसका भी अवकलन करेंगे डी बटा डी एक्स ओ सी एक्स प्लस डी बटा, हर में जैसा मान है वैसा मान अपन वापस रख दें कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, या डीवाई बटे डी एक्स बराबर ये मान आपका हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये जो आपका ए एक्स प्लस बी इसका अवकलन जब अपन करेंगे अक्षर राशि इंटू फलन का अवकलन, तो अक्षर राशि ए है और अक्ष का अवकलन एक होता था, इसका अवकलन तो ए हो गया, बी अकेली अक्षर राशि जिसका अवकलन जीरो होगा तो इसका अवकलन हो गया ए, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया ए। माइनस और माइनस गुणा होंगे प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, इसका जब आप अवकलन करेंगे सी अक्षर राशि अक्ष का अवकलन एक तो अवकलन होगा सी, डी अकेली अक्षर राशि इसका अवकलन होगा जीरो तो इसका अवकलन आएगा सी, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया सी, और बटा हर में जो मान है आपका कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आपका अक्ष के सापेक्ष अवकलन प्राप्त हो जाएगा। हम चाहें तो आगे कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग यदि अपन करेंगे कोस सी एक्स प्लस डी की एक घात कैंसिल हो जाएगी, इसमें जब इसका भाग देंगे साइन बटे कोस टेन सी एक्स प्लस डी हो जाएगी, एक बटा कोस एक्स प्लस डी बचेगा, उसे सेक में भी अपन चेंज कर सकते हैं, बाकी यहां तक अपन कर देंगे तो बहुत है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, इसी उदाहरण के अंदर फिर सेकंड पार्ट जब अपन हल करें उसमें अपन को एक फलन दिया गया है कि कोस एक्स क्यूब, सेकंड पार्ट जो है वह है वाई बराबर कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात पांच, साइन स्क्वायर अक्ष की घात पाँच कि अक्ष के सापेक्ष से आपको अवकलन करना है कोस अक्ष की घात तीन इंटू साइन स्क्वायर अक्ष की घात पाँच का। आप यहाँ देखिए कि यहाँ एक फलन था कोस अक्ष की घात तीन और एक फलन है यहाँ पर साइन स्क्वायर अक्ष की घात पाँच, और बेटा हमने मैंने आपको बताया था कि जब दो फलनों के गुणनफल का अपन अवकलन करें तो वह अवकलन होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। तो यहाँ भी ये दो फलनों का गुणनफल है और दो फलनों का गुणनफल है तो इसको हम लिखेंगे डी बटा डी एक्स ऑफ वाई बराबर प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो डीवाई बटे डी एक्स, डीवाई बटे डी एक्स बराबर प्रथम फलन है कोस एक्स की घात तीन इंटू द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन है तो डी बटा डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की घात पांच
प्लस द्वितीय फलन, द्वितीय फलन में लिख दो साइन स्क्वायर अक्स की घात 5 इंटू प्रथम फलन का अवकलन, तो डी बटा डी एक्स हो कोस एक्स क्यूब या डीवाई बटे डी एक्स बराबर बान हो जाएगा कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर अक्स की घात 5, चाहे फलन किसी भी रूप में हो यदि उसकी घात 1 से बड़ी है तो पहले हम अक्स की घात एन के रूप में अवकलन करेंगे। तो अक्स की घात एन के रूप में जब अपन अवकलन करें, साइन स्क्वायर का अवकलन कर रहे हैं, जैसे साइन स्क्वायर अक्स होता और इसका अपन अवकलन करते, इसका अवकलन करते तो अक्स की घात एन अक्स की जगह तो आपके पास ये तो मान होता है एन इंटू अक्स की घात एन माइनस वन, तो एन की जगह 2, अक्स की जगह आपके पास है साइन अक्स की घात एन माइनस वन, 2 में से 1 घटा देंगे 1, तो आपका जो मान वो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। उसके बाद जिस रूप में ये फलन दे रखा उसका अवकलन और करेंगे तो साइन एक्स का फिर अपन अवकलन कर देंगे कोस एक्स। तो ऐसे ही अपन इसका अवकलन करें तो एक्स की घात एन के रूप में पहले तो इसका अवकलन होगा 2 इंटू साइन एक्स की घात 5, फिर साइन के रूप में अपन इसका अवकलन करेंगे जो हो जाएगा कोस एक्स की घात 5, और अब एक्स की घात 5 भी एक फलन है तो डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स की घात 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 कोस एक्स के रूप में अवकलन करें, कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो पहले इसका अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स की घात 3, और चूंकि एक्स की घात 3 स्वयं फलन है हम उसका फिर से अवकलन करेंगे डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स की घात 3 या डी वाई बटे डी एक्स बराबर मान हो जाएगा कोस एक्स की घात 3 इंटू 2 साइन अक्स इंटू कोस एक्स होता है साइन 2 अक्स, उस सूत्र की सहायता से ये मान आपका हो जाएगा साइन 2 अक्स की घात 5। अक्स की घात 5 का अपन अवकलन करें अक्स की घात एन के रूप में तो एन एन की जगह 5 इंटू अक्स की घात एन माइनस वन, 5 में से ही घटा दे 4 प्लस और माइनस गुणा होंगे माइनस से साइन स्क्वायर अक्स की घात 5 ये मान ऐसा कैसे हो जाएगा साइन अक्स की घात 3, और अक्स की घात 3 का अक्स की घात एन के रूप में करेंगे एन की जगह 3 इंटू अक्स की घात एन माइनस वन, 3 में से 1 घटा देंगे 2 या डीवाई बटे डी एक्स बराबर ये मान हो जाएगा पहले इस मान को लिख दिया 5 इंटू अक्स की घात 4, फिर ये मान लिख दिया हमने कोस अक्स की घात 3 इंटू साइन 2 अक्स की घात 5 माइनस पहले इस मान को लिख दे 3 अक्स स्क्वायर, बाकी के मान लिख दें साइन स्क्वायर अक्स की घात 5 इंटू साइन अक्स की घात 3। ये अक्स के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलन होगा, दो फलनों के गुणनफल के रूप में हमने इसका अवकलन कर दिया। इसके बाद इसी एग्जाम्पल में तीसरा पार्ट दे रखा है कि आपको सेक टेन रूट अक्स का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है, सेक टेन रूट अक्ष कि थर्ड पार्ट जो आपका है उस थर्ड पार्ट में फलन दे रखा है आपको वाई बराबर सेक टेन रूट अक्ष, इसका हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका अवकलन जब अपन करेंगे पहले ये सेक अक्ष के रूप में फलन है, और सेक अक्ष का जब अपन अवकलन करते हैं तब होता है सेक अक्ष इंटू टेन अक्ष, लेकिन अक्ष की जगह आपके पास मान क्या है टेन रूट अक्ष है, तो पहले तो इसका अवकलन हो जाएगा सेक टेन रूट अक्ष इंटू टेन टेन रूट अक्ष, फिर टेन अक्ष के रूप में भी एक फलन है इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर रूट अक्ष, फिर रूट अक्ष स्वयं एक फलन है उसका अपन अवकलन करेंगे जो होगा 1/2 अंडर रूट अक्ष। तो अक्ष के सापेक्ष जब अपन अवकलन करें तो डी बटा डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी बटा डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट अक्ष, ये तो आपका हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। सेक अक्ष के रूप में अवकलन किया सेक अक्ष, अक्ष की जगह ये बाहर तो हो जाएगा सेक टेन रूट अक्ष इंटू टेन अक्ष, फिर हो जाएगा टेन टेन रूट अक्ष, और अब इस टेन रूट अक्ष का भी अपन अवकलन करेंगे तो डी बटा डी एक्स ऑफ टेन रूट अक्ष या डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये बाहर हो जाएगा सेक टेन रूट अक्ष इंटू टेन टेन रूट अक्स, जैसा था वैसा वैसा वापस लिखा है। टेन अक्स के रूप में इसका अवकलन करेंगे जो सेक स्क्वायर अक्स होता है, इसका अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट अक्स, अब रूट अक्स भी एक फलन है हम इस रूट अक्स का भी अवकलन करेंगे तो डी बटा डी एक्स ऑफ अंडर रूट अक्स या डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये बान हो जाएगा सेक टेन रूट अक्स इंटू टेन टेन रूट अक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट अक्स, और रूट अक्स का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1/2 अंडर रूट अक्स, तो बराबर आपके पास मान आ गया डीवाई बटे डी एक्स का, डीवाई बटे डी एक्स बराबर ये मान हो जाएगा सेक
टेन रूट अक्स इंटू टेन टेन रूट अक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट अक्स और बटा दो अंडर रूट अक्स, अक्स के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलन होगा। इसके बाद अगला जो उदाहरण अपना तीसरा उदाहरण, उस तीसरे उदाहरण के अंदर आपको एक फलन दिया गया है दो अंडर रूट कोट अक्स स्क्वायर, दो अंडर रूट कोट अक्स स्क्वायर, उसका हमें अक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो तीसरे उदाहरण का पहला पार्ट है एग्जाम्पल नंबर तीन, जिसका पहला पार्ट है वाई बराबर दो अंडर रूट कोट अक्स स्क्वायर, और इसका जब अपन अवकलन करेंगे एक अचर राशि इंटू फलन, अचर राशि दो है, फलन अंडर रूट कोट अक्स स्क्वायर, और एक अचर राशि इंटू फलन का अवकलन, अचर राशि इंटू दिए गए फलन का अवकलन, तो ये अचर राशि ऐसे कैसे आएगी? इसका जब आप अवकलन करेंगे तो पहले रूट अक्स के रूप में करेंगे जो होता है एक बटा दो अंडर रूट अक्स, लेकिन अक्स की जगह कोट अक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन हो जाएगा एक बटा दो अंडर रूट कोट अक्स स्क्वायर। फिर कोट अक्स स्क्वायर भी एक फलन है, कोट अक्स के रूप में इसका अवकलन करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर अक्स स्क्वायर, फिर अक्स स्क्वायर में एक फलन है, उसका फिर से अपन अक्स की घात n के रूप में अवकलन करेंगे जो अवकलन होगा दो अक्ष, तो यहाँ y का अवकलन किया हमने d बटा डी अक्स ऑफ y बराबर d बटा डी अक्स, दो अक्षर राशि इंटू फलन का अवकलन, तो दो इंटू d बटा डी अक्स ऑफ अंडर रूट कोट अक्स स्क्वायर। ये तो आपका हो गया डी वाई बटा डी अक्स बराबर दो इंटू रूट अक्स के रूप में अवकलन एक बटा दो अंडर रूट अक्स, अक्स की जगह आपके पास है कोट अक्स स्क्वायर। अब इस कोट अक्स स्क्वायर का भी अपन अवकलन करें तो डी बटा डी अक्स ऑफ अंडर रूट डी बटा डी अक्स ऑफ कोट अक्स स्क्वायर या डी वाई बटे डी अक्स, यहाँ ये दो से दो कैंसिल हो गया, बचा एक बटा अंडर रूट कोट अक्स स्क्वायर इंटू कोट अक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, कोट अक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर अक्स, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अक्स स्क्वायर, और अब अक्स स्क्वायर स्वयं एक फलन है, हम इसका फिर से अवकलन कर दें डी बटा डी अक्स ऑफ अक्स स्क्वायर, या इस कोट अक्स स्क्वायर को हम कोस अक्स स्क्वायर बटे साइन अक्स स्क्वायर में चेंज कर दें, इस कोसेक स्क्वायर को हम एक बटा साइन स्क्वायर में चेंज कर दें, तो डी वाई बटे डी अक्स बराबर, ये माइनस निशान पहले आ गया, यह मान हो गया एक बटा अंडर रूट, इसको चेंज कर दिया कोस अक्स स्क्वायर बटे साइन अक्स स्क्वायर में, इस मान को चेंज कर दिया एक बटा साइन स्क्वायर अक्स स्क्वायर में, और अक्स स्क्वायर का अवकलन कर दिया हमने दो अक्स, या डीवाई बटे डी अक्स बराबर मान हो जाएगा माइनस दो अक्स बटा अंडर रूट कोस अक्स स्क्वायर, यहाँ इसको लिख सकते हैं आप साइन अक्स स्क्वायर इंटू कोस अक्स स्क्वायर इंटू एक बटा साइन अक्स स्क्वायर। देखिए ये साइन स्क्वायर अक्स है, यहाँ साइन की घात एक बटा दो है, तो तीन बटा दो घात बची, तीन बटा दो में से एक बटा दो घात तो इसके अंदर ले ली, तो साइन अक्स स्क्वायर इंटू कोस अक्स स्क्वायर, और एक साइन अक्स स्क्वायर आपके पास बाहर बच गया। इसके बाद हम इसके अंश और हर को अंडर रूट दो से गुणा कर रहे हैं, और अंडर रूट दो से गुणा किया तो ये मान दो साइन अक्स इंटू कोस अक्स के रूप में होगा, जो क्या हो जाएगा साइन दो अक्स, तो ये साइन दो अक्स के रूप में होगा, तो आपके पास यह मान हो जाएगा डी वाई बटे डी अक्स बराबर माइनस दो अंडर रूट दो इंटू अक्स बटा, ये मान आपका साइन अक्स स्क्वायर ऐसा कैसा है, और ये जो मान आपका, ये मान आपका हो जाएगा साइन दो अक्स स्क्वायर, ये अक्ष के सापेक्ष से आपका अवकलन हो जाएगा। ये जो मान था आपका, इस मान को मैंने इस रूप में लिखा कि आपके पास ये मान था कोस अक्स स्क्वायर बटे साइन अक्स स्क्वायर, और ये जो साइन स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन साइन अक्स स्क्वायर इंटू साइन अक्स स्क्वायर, तो इसकी एक बटा दो घात तो यहाँ से कैंसिल होगी, अभी एक बटा दो घात बची थी, इसको पूरे के अंदर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट साइन अक्स स्क्वायर इंटू कोस अक्स स्क्वायर आपके पास बच गया, और आपका अवकलन आ गया माइनस दो अंडर रूट दो इंटू अक्स बटे साइन अक्स स्क्वायर इंटू साइन दो अक्स स्क्वायर।